both Neetu and me have been given this honor to give away the Lifetime Achievement Award. The person whom I'm going to be honoring today has been regaling us, entertaining us for nearly 50 years now. Welcome, Mr. Jitendra Kapoor. 50 साल पहले एक शख्स चला फिल्मी दुनिया की ओर. सर पे हाथ नहीं था, लेकिन हौसला था. कोई हमदर्द नहीं था, लेकिन हुनर था. बात से मेरे बारे में कहती है ना? सहारा नहीं था, लेकिन सपने थे. मुंबई काय को जाने का? और उन्हीं सपनों, उसी संघर्ष, उसी लगन और मेहनत ने अमृतसर पंजाब के रवि कपूर को हिंदी फिल्म जगत में बना दिया. जितेंद्र, तुम्हारी और एक शिल्पकार के दिल की तमन्ना. जितेंद्र ने आते ही अपनी शख्सियत, अपनी काबिलियत और अपनी हिम्मत से फिल्मों का दौर बदल दिया. वो भीड़ के पीछे चलने की बजाय भीड़ को अपने पीछे चलाने लगे. जितेंद्र को जानने वाले लोग कहते हैं कि जितेंद्र तो पानी का एक बहता हुआ दरिया है, जो चट्टानों, पत्थरों के बीच से भी अपनी राह बना लेता है. और हुआ भी यही, जितेंद्र का नाम सक्सेस की गारंटी माना जाने लगा. उनकी काबिलियत की कोई सीमा नहीं थी. एक तरफ उन्होंने गंभीर भूमिकाएं निभाई, तो दूसरी तरफ उन्होंने पारिवारिक फिल्मों का एक दौर शुरू कर दिया. अपनी माँ से कह, काली है ना? इसके अलावा 80s में जो हल्की फुल्की फिल्मों का दौर आया, वो पूरा दौर ही जितेंद्र ने अपने नाम कर लिया. जी सिने अवार्ड फिल्मी दुनिया के इस महान कलाकार को सलाम करता है, और आज की ये शाम इनके शानदार करियर के नाम करता है. दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन मकाओ. आई एम वेरी थैंकफुल एंड ऑनर्ड दैट जी हैज गिवन मी सच ए प्रेस्टिजियस अवार्ड. आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फिल्म फ्रेटर्निटी फॉर सपोर्टिंग मी ऑल दिस इयर्स, एंड ऑफ कोर्स ऋषि एंड नीतू, योर लव एंड एप्रिसिएशन hits me very deep. Last and not the least, my lovely family, my parents, for supporting me all these years. Thank you, everybody. Mm-hmm.